यूपी जहां सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, जिसे जीतने की कोशिश हर एक पार्टी कर रही है, लेकिन यूपी में इस वक्त विपक्ष की कम मौजूदगी और मोदी योगी की जोड़ी एक अलग ही राजनीतिक गणित बना रही है, जिसके बारे में आज विस्तार से श्रेष्ठ भारत आपको बताने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। देश में लोकसभा चुनाव की तारीखें आ गई हैं। यहां हर बार की तरह चुनावी हवा पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, यानी उत्तर प्रदेश में। पार्टियों की तैयारी देखेंगे तो जमीन पर शोर बीजेपी का दिखेगा, खामोश विपक्ष में जोश अखिलेश यादव का दिखेगा। जमीन पर देखेंगे तो मायावती दूर से ही नजर आएंगी, यानी मायावती नजर से आपको दूर दिखेंगी, और कांग्रेस में वोट की भूख आपको दिखेगी। अगर सबसे ज्यादा रैलियों की बात करें तो आम चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा 5 दौरे उत्तर प्रदेश में ही किए। यहां उन्होंने 4 चुनावी रैलियां की। ये रैलियां बुलंदशहर, संभल, वाराणसी, आजमगढ़ में हुई। इनमें से 2 जगह वो हैं जहां पिछले आम चुनावों में बीजेपी को हार मिली थी। 2 रैलियां उन इलाकों में की गई हैं जिसके इर्द गिर्द बीजेपी थोड़ी कमजोर है। इसके अलावा सीएम योगी ने भी 1 महीने में 50 से ज्यादा जिलों में सभाएं और कार्यक्रम किए हैं। उनका भी उन जिलों पर पूरा फोकस रहा जहां बीजेपी थोड़ा कमजोर है। अखिलेश की बात करें तो उन्होंने बड़ी सभाओं से दूर कैडर को संभालने और टिकट बंटवारे में अपना ज्यादातर समय दिया, और मायावती पूरी तरीके से मौन रही, यानी अभी भी खामोश है। यानी बीजेपी इस वक्त यूपी में पूरी मेहनत कर रही है, इसलिए आपको अब ये बताना जरूरी है कि यूपी की राजनीतिक जमीन पर कौन कहां खड़ा है, कितना तैयार है और कितना मजबूत है। दरअसल बीजेपी को सियासत के सबसे बड़े सूबे में सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। यही वजह है कि यूपी में 2 मार्च को ही बीजेपी ने 51 नाम की पहली सूची जारी कर दी थी। इसमें 47 सीटों पर मौजूदा सांसदों को टिकट दिया गया था। हालांकि 12 प्रत्याशी ने टिकट वापस कर दिया, अब संख्या 50 रह गई। 4 पर नए चेहरे को उतारा गया। बीजेपी ने इस लिस्ट में अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले का जवाब देने की कोशिश की है। 50 चेहरों में ओबीसी के 21, सामान्य वर्ग के 18 और 11 दलित प्रत्याशियों को टिकट दिया। इसके अलावा 9 केंद्रीय मंत्रियों को भी टिकट दिया गया। बीजेपी की अब दूसरी लिस्ट का इंतजार है। इसमें कुछ बड़े चेहरों के टिकट कटने की चर्चा हो रही है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो सपा अब तक 43 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। इसमें भदोही सीट टीएमसी को दी है। सपा की पहली लिस्ट 30 जनवरी को ही आ गई थी। इसमें डिंपल यादव, अक्षय यादव का नाम भी था। सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत सपा ने 17 सीटें कांग्रेस को दी है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक एक भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। इन 17 में से 16 सीट पर कांग्रेस 2019 में चुनाव हार चुकी है। रायबरेली, अमेठी में प्रियंका या राहुल लड़ेंगे यह भी तय नहीं है, इसे लेकर भी सस्पेंस बना है। वहीं सबसे पीछे बसपा है। 2019 में करीब 19% वोट शेयर हासिल करने वाली बसपा ज्यादातर सीटों पर अभी वेट एंड वॉच कर रही है। बसपा इस बार अकेले चुनाव लड़ रही है। बसपा की तरफ से 9 प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं, लेकिन पार्टी ने अभी तक एक भी आधिकारिक नाम नहीं जारी किया। इनमें मुस्लिम समुदाय के 5 प्रत्याशी बताए जाते हैं। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा 5 दौरे उत्तर प्रदेश में किए। ये देश के किसी राज्य में उनके सबसे ज्यादा कार्यक्रम हैं। इनमें 4 रैली, 3 बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम शामिल हैं। इसके अलावा 10 से ज्यादा वर्चुअल कार्यक्रमों में वो शामिल हुए। प्रधानमंत्री सबसे पहले 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए। 25 जनवरी को प्रधानमंत्री ने बुलंदशहर में 19,16,00,000 रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया। ये यूपी में उनकी पहली चुनावी जनसभा थी, जो बता रही थी कि बीजेपी कितनी जद्दोजहद कर रही है। पीएम मोदी ने 2014 में यानी 10 साल पहले भी अपने चुनाव की कैंपेनिंग की शुरुआत बुलंदशहर से ही की थी, जब एक रैली की गई। पीएम मोदी के लिए वेस्ट यूपी का बुलंदशहर शुभ माना जाता रहा। साथ ही पीएम 19 फरवरी को पहले संभल में कल्कि मंदिर गए, रैली की और फिर लखनऊ में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल हुए। मोदी 22 और 23 फरवरी को 2 दिन के दौरे पर यूपी आए। यहां वाराणसी में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम ने संत गुरु रविदास जन्मस्थली में पूजा और दर्शन भी किए, एक रैली को संबोधित भी किया। पीएम 9 और 10 मार्च को काशी और आजमगढ़ में रहे, यहां उन्होंने रैली भी की। इसके अलावा बीजेपी की ओर से सीएम योगी ने भी 1 महीने में 50 से ज्यादा जिलों में सभाएं कर डाली।
वहीं अगर बात विपक्ष की करें तो उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों से पहले विपक्ष की ग्राउंड कनेक्टिविटी देखेंगे तो सबसे आगे अखिलेश यादव आपको नजर आते हैं। वो लगातार उन जिलों के दौरे कर रहे हैं जहां सपा को फायदा हो सकता है। अखिलेश बिना किसी शोर शराबे के लगातार यूपी को कैडर के लेवल पर मथ रहे हैं, हालांकि उन्होंने अभी तक कोई बड़ी जनसभा नहीं की है। वहीं अगर बात विपक्ष की हो रही है तो इसमें कांग्रेस की बात की जाए तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी में आई। यहां राहुल गांधी की यात्रा बनारस से एंट्री लेती है और प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, आगरा होते हुए निकल जाती है। तकरीबन 7 दिन राहुल की यात्रा ने यूपी को जोड़ने की कोशिश की। इसके अलावा उनके प्रदेश अध्यक्ष अजय राय यूपी में एक्टिव नेताओं में शुमार होते हैं। उन्होंने भी वेस्ट यूपी से सेंट्रल यूपी तक रथ यात्रा निकाली थी। नहीं बात बसपा की करें तो वो पूरी तरीके से जमीन से गायब है। बसपा मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा यूपी में कोई भी ग्राउंड एक्टिविटी नहीं की। यहां तक कान श्री राम की जयंती पर भी उन्होंने कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किया। पहले के सालों में मायावती इस मौके पर बड़ी बड़ी जनसभाएं करती थीं। उनके उत्तराधिकारी आकाश भी जमीन से अभी पूरी तरीके से गायब है। वैसे यूपी में चुनावी तारीखों का पैटर्न देखें तो ज्यादा नया नहीं है। हर बार की तरह पहले फेज का मतदान 19 अप्रैल को वेस्ट यूपी से ही शुरू होगा और आखिरी यानी 7वें फेज का मतदान 1 जून को पूर्वांचल में। पिछले 2 आम चुनाव और विधानसभा चुनाव में भी चुनाव तारीखों का रुख पश्चिम से पूरब की ओर रहा है। यूपी में वेस्ट यूपी वो इलाका है जहां ध्रुवीकरण की राजनीति की हवा सबसे तेजी से बहती है और इस हवा का असर पूरे देश में होता है। यहां कई सीटों पर मुस्लिम आबादी 35-40% है। यहां मुजफ्फरनगर और मेरठ है, ये इलाका किसान और जाट बेल्ट में आता है। पहले 3 फेज की वोटिंग इन्हीं इलाकों में है। राजनीतिक दल हमेशा चाहते हैं यहां के चुनावी मुद्दों को हम पूरे चुनाव में घुना सके। आखिरी 4 फेज के चुनाव रुहेलखंड, अवध, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में होने हैं। यहां तक चुनाव आते आते मुद्दे, नारे और वोटर्स का माइंड काफी हद तक सेट हो जाता है। इन इलाकों में जातीय मुद्दे और धार्मिक कार्ड खेले जाते हैं। प्रधानमंत्री की सीट वाराणसी में आखिरी फेज में मतदान है। पिछले चुनावों को याद करेंगे तो आप देखेंगे कि मोदी 2 से 3 दिन वाराणसी में बिताते हैं, रोड शो भी करते हैं। लेकिन अब देखना है कि क्या यूपी में हवा पहले जैसी ही बहेगी या हवा अपना रुख बदलने का काम करेगी। फिलहाल आम चुनाव के ऐलान से पहले यूपी में तोड़फोड़ की राजनीति भी जमकर हुई। बीजेपी ने 2024 चुनाव के लिए यूपी में 80 का टारगेट रखा है। इसे पाने के लिए बीजेपी ने अपने 2 पुराने दोस्तों से हाथ मिला लिया है, ओम प्रकाश राजभर की सुभासपा और जयंत कीराल। राजभर को मंत्री बनाने के साथ विधान परिषद में एक और लोकसभा की सीट भी दी गई। रालोद को भी योगी कैबिनेट में एक सीट देने के साथ 2 लोकसभा सीटें भी दी हैं। ये सीटें बागपत और बिजनौर हैं। बीजेपी के 2 पुराने सहयोगी अपना दल एस और निषाद पार्टी भी गठबंधन में पहले की तरह अभी भी मौजूद हैं। यानी 2019 के वोट शेयर पर नजर डालें तो एनडीए के इस बार के सहयोगियों का उस वक्त कुल वोट प्रतिशत 52.9% रहा है। वहीं अगर 2022 में हुए विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो एनडीए गठबंधन की इन 4 पार्टियों का वोट प्रतिशत 47.2 रहा है। यूपी में राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले रालोद बीजेपी के साथ चली गई। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बीजेपी और मजबूत हो गई। खैर, इसके बाद यूपी में इंडिया गठबंधन के लिए कांग्रेस और सपा के बीच लंबी बातचीत चलती है। फिर अखिलेश ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। सपा ने 17 सीटें कांग्रेस को यूपी में दे दी, यानी सपा 53 सीटों पर अकेले लड़ेगी। गठबंधन के ऐलान के बाद अखिलेश आगरा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुए। अगर हम 2019 की बात करें, क्योंकि विपक्ष की इस वक्त बात हो रही है, तो 2019 चुनाव में इन दोनों दलों यानी सपा और कांग्रेस का वोट शेयर 18.1 और 6.4 रहा, यानी कुल 24.5। वहीं 2022 विधानसभा की बात की जाए तो सपा को 32.3% और कांग्रेस को 2.4% वोट शेयर मिला था, यानी कुल 34.6%। तब दोनों दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। यानी इससे समझा जा सकता है कि कैसे बीजेपी और विपक्ष अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसमें बीजेपी ऊपर है। बसपा की बात करें तो बसपा अकेले ही मैदान में है। पिछले आम चुनाव सपा के साथ गठबंधन में बसपा ने लड़ा था तो उसे 19.4% वोट शेयर के साथ 10 सीटें मिली थी। लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव में बसपा 1 सीट पर ही सिमट गई। इस बार मायावती दलित और मुस्लिम वोट कार्ड के जरिए अपनी सीटें बढ़ाने की जुगत में है।
अब ऐसे में यूपी का ये गणित बताता है कि सबसे आगे बीजेपी है, और इस बार का ही गणित नहीं 2019 का गणित भी यही बताता है, क्योंकि बीजेपी पूरा फोकस वहां करती है जहां वो पिछले चुनाव में सही प्रदर्शन नहीं कर पाए, और बीजेपी को और मजबूत यही बात बनाती है। खैर, इस बार भी बीजेपी ने पूरा प्रयास किया, लेकिन वहीं यूपी का विपक्ष उतनी तेजी से प्रयास नहीं कर रहा जितनी तेजी से उसे प्रयास करना चाहिए, जिसका भुगतान उसे आने वाले समय में करना पड़ सकता है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।